शुभ प्रभात, कैसे हैं आप? आप तो सब लोग घर पे बैठे बैठे बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट कर रहे होंगे। चलो तो आप कुछ पढ़ ले। कुछ पढ़ने से पहले आप सबको मेरा नाम पता है, मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर ज्योति सिंह। तो बच्चों, आपको स्वर और व्यंजन याद है या आप भूल गए? चलो हम एक छोटा सा रीकैप कर लेते हैं। तो हम जानते हैं स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। आ जाइए मेरे साथ। स्वर, अब आप मेरे पीछे पीछे इसे पढ़ेंगे। अ, आ, ई, इ, ओ, री, ए, ए, ओ, औ, अम, अह। ये हो गए हमारे स्वर। अब हम जानेंगे व्यंजन। व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ। ये हमारे व्यंजन। तो अब आपको पता चला स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। तो अब आपको एक छोटा सा होमवर्क करना है। आपको मुझे अगली कक्षा में बताना है कि स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। स्वरों का प्रयोग कहाँ किया जाता है और व्यंजनों का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो ये अपना होमवर्क कंप्लीट करके रखना और घर पे सुरक्षित रहना। धन्यवाद। नमस्ते। शुभ प्रभात, कैसे हैं आप? अच्छा बच्चों, हमने अगली कक्षा में स्वर और व्यंजन के बारे में जाना था। अब हम जानेंगे कि स्वर यानी उनकी मात्राओं का प्रयोग हमें कब, कैसे और कहाँ करना है। आपको पता है कौन कौन सी मात्राएं होती हैं? चलो तो हम देखते हैं कौन कौन सी मात्राएं होती हैं। आ जाइए, ये देखिए, ये कौन सी मात्रा है? आ की। वेरी गुड। ये ई की मात्रा। ये बड़ी की मात्रा। तो ये कौन सी मात्रा है? छोटी। वेरी गुड। ये ओ की मात्रा। कौन सा ओ? जोर से। वेरी गुड। छोटा ओ। ये वेरी गुड बड़ा ओ। ए की मात्रा, ओ की मात्रा और ये है ओ की मात्रा। तो आपने जाना कौन कौन सी मात्राएं हैं हमारे पास। अच्छा बच्चों, अब तो आपने जान लिया कि ये मात्राएं कौन कौन सी है। पर अगली कक्षा में आपको मुझे इन मात्राओं का प्रयोग करके बताना है कि इन मात्राओं का प्रयोग करके आप शब्द और वाक्यों को कैसे पूरा करते हैं। तो ये मात्राएं जो है आपके सामने, आपको इनका सही प्रयोग करना है और मुझे कुछ शब्द और कुछ वाक्य लिखे हुए दिखाने हैं जो मैं अगली कक्षा में आपको देखूंगी। और इनसे भी, इन्हीं मात्राओं से जुड़े हम नए शब्द सीखेंगे और उन शब्दों से हम एक नए वाक्य बनाएंगे। तब तक के लिए इन मात्राओं को याद करिए और नए शब्द अथवा वाक्य बनाइए। समझा आप लोगों ने? आ, ई, ई, ओ, उ की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ये सारी क्या है? मात्राएं। तब तक के लिए धन्यवाद।